हेलो गाइस, क्या हाल है आप लोगों के। स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन ट्रेन वर्ल्ड में। दोस्तों, ये आज की जो हमारी वही वीडियो रहेगी वो किस चीज़ में रहेगी मैं आपको बता देता हूँ। वो दोस्तों, आज की हमारी जो ट्रेन जर्नी है वो बेंगलोर से मैसूर जाने वाली टिप्पू सुपर फास्ट एक्सप्रेस मतलब में रहने वाली है दोस्तों। और भाई, ये ट्रेन जो है डेली के लिए चलती है, टिप्पू एक्सप्रेस, जो कि बेंगलोर से मैसूर और मैसूर से बेंगलोर। तो भाई, ये मतलब मैसूर जंक्शन से बेंगलोर इस टाइम आ चुकी है और इसका लोको यहाँ पे लगा हुआ था भाई, डबल लोकोमोटिव है इसके साथ। एक WDG 3 है, एक और WDG 4 शायद लोकोमोटिव है। तो वो मतलब यहाँ से हट चुका है भाई, यहाँ से मतलब डीकपल हो चुका है। और मतलब जो अब इसको मैसूर जंक्शन के लिए, क्योंकि भाई रेडी होना है, तो भाई उसका लोकोमोटिव जो है वो कपल होने के लिए रेडी है। तो भाई चलो, हम चलते हैं अपने लोकोमोटिव के पास। ये रहे हमारे डबल लोकोमोटिव, मैं आपको दिखा देता हूँ भाई। मतलब काफ़ी यार डबल लोकोमोटिव है भाई, आज मज़ा आने वाला है दोस्तों वीडियो में। और अभी बेंगलोर स्टेशन पे हम काफ़ी सारा ट्रैफिक आपको दिखाएंगे भाई। ये कौन सा भाई लोकोमोटिव है भाई? ये WDG 4D, इसका जो रोड नंबर है 70480, ये इसका रोड नंबर है। और भाई एक बहुत अच्छी बात मैं आपको और बता देता हूँ भाई, ये जो दूसरा लोकोमोटिव है इसका रोड नंबर क्या है? 16670। ये भाई आप देख सकते हैं, ये कितना शानदार लोकोमोटिव, और उसके अंदर एक काफ़ी शानदार मतलब जो है हॉर्न वगैरह ऐड किए हुए हैं दोस्तों। तो जर्नी में मज़ा आने वाला है, वीडियो में मज़ा आने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना यार, ताकि फुल मतलब आपको मज़ा आए। अब चलो भाई, अब हम अपने लोकोमोटिव को भाई लेके चलते हैं, अपनी एक्सप्रेस में जो है कपल करते हैं। ये इसका हॉर्न है भाई, चलते हैं, देख सकते हैं मतलब हमारे दोनों लोकोमोटिव जो है बढ़ रहे हैं, रिवर्सल में मतलब चल रहे हैं इस वक्त, आप देख सकते हैं। और डबल लोकोमोटिव के साथ मतलब क्या इसकी मतलब आज हॉन्गिंग रहने वाली है, और मतलब किस तरीके से मतलब आज ये वर्क करेगी, परफॉर्म दिखाएगी ये ट्रेन अपना। आप भाई मतलब इसको मिस ना करना, वीडियो में एंड तक बने रहना यार, स्किप मत करना यार सच में। तो भाई थॉटल लो कर लेते हैं, ब्रेक लगा देते हैं भाई ट्रेन, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है, देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कोच है। थोड़ा सा पीछे आते हैं, यहाँ पे मतलब हमारी पूरी की पूरी ट्रेन जो है मतलब खड़ी हुई है। यहाँ देख सकते हैं मतलब यहाँ पे लाके हमें लोकोमोटिव को जो कपल करना है, और उसके साथ गार्ड साहब का भी एक कोच जो है वो जुड़ा हुआ है। तो मतलब ऐसा लगता है हमारी ट्रेन जो है जल्दी रुक गई यार। तो देख सकते हैं मतलब यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा हमारे डबल लोकोमोटिव जो मतलब आ रहे हैं कपल होने के लिए हमारी टिप्पू सुपर फास्ट एक्सप्रेस में। आपको मतलब दिख रहा होगा भाई, थोड़ा स्लोली चलते हैं, ज़्यादा तेज़ नहीं चलेंगे। आप देख सकते हैं आ रहा है, तो हम पहले एकदम थोड़ा ब्रेक लगाएंगे भाई, पहले हम थोड़े से ब्रेक लगा लेते हैं भाई। ब्रेक लग जाए भाई, एकदम हमें कपल नहीं करना भाई। भाई लग जाओ भाई, लग गया भाई, मज़ा आ गया यार। हमको ऐसा लग रहा था आज तो मतलब ये टकरा जाएगी ट्रेन यार, मतलब ऐसा लग रहा था काफ़ी तेज़ मतलब जो है कपल होने वाला है। तो भाई आप देख सकते हैं मतलब ये कितना मतलब शानदार नज़ारा है, जो कि रियल में भी काफ़ी शानदार लगता है। तो अब धीरे धीरे मतलब यहाँ से हम अपनी मतलब ट्रेन को जो है कपल करते हैं भाई। तो भाई आप देख सकते हैं मतलब धीरे धीरे जो है हमारा दो लोकोमोटिव और भाई एक हमारा गार्ड साहब का कोच, वो पूरी टिप्पू एक्सप्रेस में मतलब जुड़ने जा रहा है। उसके बाद जो है हमारी एक्सप्रेस ट्रेन जो है मतलब डिपार्चिंग के लिए रेडी हो जाएगी, फिर हम यहाँ बेंगलोर स्टेशन से निकलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, ये सीन कितना प्यारा लग रहा है, इसके लिए यार एक लाइक कर देना यार, और कमेंट्स करके बता देना ये आपको सीन कैसा लगा। और चैनल पर पहली बार विजिट की हो तो भाई चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। और देख सकते हैं हमारा लोकोमोटिव जो है वो पूरी तरह से वो कपल हो चुका है। तो अब हमारी ट्रेन जो है रेडी है बिल्कुल जाने के लिए। यहाँ से अब ये देखते हैं भाई, ट्रैक मॉनिटर पहले ऑन करते हैं, क्या सीन रहता है ट्रैक मॉनिटर का देखते हैं भाई। थोड़ा पीछे चलते हैं, अभी देख सकते हैं मतलब कोई लोकोमोटिव मेरे को यहाँ से दिख रहा है, शायद इलेक्ट्रिक लोको होगा, अभी देखते हैं भाई थोड़ा सा। देख सकते हैं मतलब अब हम यहाँ से क्या करते हैं भाई, ब्रेक को थोड़े से ना, तो अब देख सकते हैं हमारी टिप्पू एक्सप्रेस जो है मतलब रेडी है, और सिग्नल हमें जो भाई ग्रीन मिला है। और हमारा नेक्स्ट स्टॉप जो भाई वो अभी केंगरी स्टेशन है कोई, वो रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ से अपनी जर्नी को जो है स्टार्ट कर लेते हैं। ये हम अभी F10 मतलब दोबारा से प्रेस करके रखते हैं, और ये F7 दबाते हैं भाई। आप देख सकते हैं मतलब हम प्लेयर का निशान आ रहा है भाई, मतलब ये होता है लेकिन हम इसको हटा देते हैं, ज़्यादा मेरे को तो पसंद है नहीं। तो भाई फर्स्ट हॉर्न बजाते हैं और
ट्रेन जो है हमारी निकलने के लिए बिल्कुल रेडी है, हमारी टिप्पू सुपर फास्ट एक्सप्रेस। मतलब नाम यार थोड़ा अजीब सा ना हुआ यार, मतलब टिप्पू एक्सप्रेस यार, मतलब पहली बार मैंने ये नाम सुना है। तो भाई सेकेंड हॉर्न बजाने के बाद यहाँ से निकलते हैं, देख सकते हैं हमारी जो टिप्पू सुपर फास्ट एक्सप्रेस है वो बेंगलोर स्टेशन से निकल रही है, और अभी हमारी आगे जाके हम काफ़ी हाई स्पीड जो है एक्शन करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को छोड़ के जाना मत, वीडियो को एंड तक वॉच करना भाई, ताकि आपको मज़ा आए। और भाई आज की जो एक्सप्रेस है ना भाई, इसके अंदर ट्रैक साउंड बहुत शानदार लगा हुआ है भाई, जो मैं आपको बराबर सुनाने की कोशिश करूँगा अगर आप सुनना चाहेंगे। लेकिन अभी हम देखते हैं हमारी ट्रेन जो है डिपार्ट कर रही है बेंगलोर स्टेशन से, थोड़ा सा आपको बेंगलोर स्टेशन दिखा देते हैं भाई। ये भी कोई सुपर फास्ट, मतलब मेरे को लगता है एक्सप्रेस ही ट्रेन होगी भाई ये, मतलब कोई एक्सप्रेस ट्रेन खड़ी है जो कि बेंगलोर स्टेशन के मतलब जो थोड़ा अलग से साइड में मतलब ट्रेनें जो खड़ी रहती हैं भाई। और ये क्या चीज़ है भाई, ये तो कोई LHB पार्सल कोच मेरे को नज़र आ रहा है भाई। ये कौन सी ट्रेन है भाई, देख लेते हैं भाई। बोर्ड नेम तो लगा हुआ है ट्रेन पे, हमारी ट्रेन तो डिपार्ट कर रही है अच्छे से, लेकिन ये देख सकते हैं बोर्ड नेम है ट्रेन का, कौन सी ट्रेन का बोर्ड नेम लगा हुआ है भाई इस पर, ये हम देख लेते हैं भाई। ये पूर्वा एक्सप्रेस है भाई, पूर्वा एक्सप्रेस का मतलब बोर्ड नेम है भाई, और ये पूर्वा एक्सप्रेस ही होगी मेरे को तो ऐसे लग रहा है भाई। आप देख सकते हैं मतलब कुछ AC कोच भी मतलब निकल रहे हैं हमारी, ये हमारी ट्रेन जा रही है भाई, ये किसी और की ट्रेन नहीं भाई, अपनी ट्रेन है भाई ये। चलो ये तो निकलती रहेगी भाई, आप देख सकते हैं मतलब ये कुछ AC कोच भी हैं, LHB AC कोच हैं, और शायद हमें रास्ते में कोई ट्रैफिक भी मिले भाई। बाय बाय भाई, ये देख सकते हैं हमारी ट्रेन निकल रही है। तो आप लोकोमोटिव के पास चलते हैं भाई, अब लोकोमोटिव हमारा कहाँ रहा यार, ये रहा। ओफो भाई हम किस साइड में चल रहे हैं, मतलब हमारा लोकोमोटिव कहाँ है और हम कहाँ हैं यार, ये बात हमको समझ में नहीं आ रही है यार। ये देखो भाई ये हमारी ट्रेन चल रही है यार, तो अब हम इस पास में आ जाते हैं अपने लोकोमोटिव के। मतलब कितनी दूर चले गए थे भाई, हमें तो ऐसा लग रहा था आज जो है हमारा कैमरा जो है सेट नहीं हो पाएगा भाई, मतलब बेकार सा लग रहा था यार। अब हम जो है अपने लोकोमोटिव के पास आ चुके हैं, मतलब कैमरा जो है यार सेट क्यों नहीं हो पा रहा, ये मतलब ये हो क्या रहा है यार, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रही बात यार, कुछ समझ में नहीं आ रही यार। चलो भाई आप देख सकते हो, अब हम कैमरा सेट करने की कोशिश करते हैं। तो कैब व्यू में चलते हैं, ये हमारा WDG3 का मतलब जो कैब व्यू है, ये आपको कैसा लगा बता देना मेरे को यार, कमेंट्स करके बता सकते हो आप, बिल्कुल बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो भाई। ये मतलब हमारा कैमरा जो है टू प्रेस करने वाला जो कैमरा रहता है वो सेट नहीं हो पा रहा है यार। चलो यहाँ से हम सेट कर लेते हैं अपने कैमरे को, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं काफ़ी शानदार जो कर ले रही है हमारी टिप्पू सुपरफास्ट एक्सप्रेस, तो यहाँ से हम थोड़ा कैमरे को छोड़ देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं काफ़ी शानदार जर्नी। आपको यहाँ से दिख रही होगी पूरी की पूरी ट्रेन, मतलब कितनी शानदार लग रही है जाते हुए। आप देख सकते हैं दूर तक मतलब काफ़ी लंबा कर्व है, कर्व ले रही है हमारी टिप्पू एक्सप्रेस। अभी स्पीड हम जो है कम ही रखेंगे, क्योंकि हमें लिमिट जो है 45 की मिली है, 45 किलोमीटर पर आवर की अभी हमें स्पीड मिल रही जाने की। और क्या क्या शानदार मतलब जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं आप देख सकते हो, मतलब कसम से यार काफ़ी शानदार है। तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देते हैं, और भाई देख सकते हैं दोनों लोकोमोटिव हमारे मतलब काफ़ी पावरफुल हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। और इसका ये हॉर्न जो है आपको सुनाई दे रहा होगा भाई, ये हॉर्न जो है ना भाई, ये हमारे WDG3A का है, जो कि कितना शानदार है भाई, बहुत ज़्यादा शानदार है। थोड़ा अंदर देख लेते हैं भाई, हमें जगह मिलती नहीं भाई, ये तो हम मतलब डोर व्यू पे आ गए भाई, और ये लेवल क्रॉसिंग है। लेकिन यहाँ पे भाई ये इंटीरियर है हमारी टिप्पू एक्सप्रेस का, जो कि अच्छा है, ठीक है, 100 में से 200 नंबर देने लायक तो नहीं है भाई। ओफो भाई मतलब आप एक छगिंग साउंड आप सुन सकते हो, मतलब हमारा जो WDG3A लोकोमोटिव है ना, उसका छगिंग साउंड कितना मतलब प्यारा है यार, बहुत प्यारा है। और ये जो इसके हमारे WDG4D के जो लोकोमोटिव है अगला वाला जो येलो कलर का है, उसका जो हमें हॉर्न जो है सुनाई नहीं दे रहा है साफ तरीके से, लेकिन बज रहा है ऐसा नहीं है। और ये वाला हॉर्न ज़्यादा मतलब मेरे को धांसू लग रहा है, जो कि हमारे WDG3A का लोकोमोटिव का हॉर्न है। और भाई इसके अंदर ना भाई लोकोमोटिव ही क्या, मतलब लोकोमोटिव के अंदर छगिंग साउंड भी अभी तक आपने किसी ऐसे लोकोमोटिव में नहीं देखा होगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। आप मेरी पूरी वीडियो चेक कर सकते हैं, मतलब इतना धांसू जो है, मतलब छगिंग साउंड जो ये दे रहा है,
लोकोमोटिव वो मतलब अदर लोकोमोटिव ने नहीं दिया अभी तक। ओफ वो भाई, ये भी कोई लोकोमोटिव के साथ, तो ये भी हमारी तरह कोई लोकोमोटिव था, कोई ऑयल टैंकर के साथ मतलब कोई ट्रेन है जो मतलब बेंगलोर स्टेशन पे मतलब अराइव करने वाली है। आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी है, मतलब ये ऑयल टैंकर हैं। ओफो भाई, अभी स्पीड लिमिट हमें ज़्यादा नहीं दी जा रही है, कम ही दी जा रही है, मतलब तो हिसाब से चलेंगे, ज़्यादा तेज़ नहीं चलना है, तो स्पीड थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। ओफो भाई क्या स्पीड, मतलब अभी से जो हमारी टिप्पू एक्सप्रेस का मतलब अभी से आप जलवे देख सकते हो, मतलब कितने शानदार जलवे। और ट्रैक साउंड मेरे को सुन के बताओ यार, मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेरे को बता सकते हैं मतलब ट्रैक साउंड मतलब कितने शानदार हैं भाई। अब थोड़ी सी स्पीड हमने अब इधर आके हाई स्पीड एक्शन की है भाई, काफ़ी देर से हम बेंगलोर स्टेशन से जब से अब तक निकले हैं, तो भाई काफ़ी मतलब हम अभी स्लोली स्लोली चल रहे हैं भाई। अभी तक मतलब कर्व मेरे को बहुत मिल रहा है देखने को यार, काफ़ी सारे कर्व हम अभी देखते हैं भाई, हमें ट्रैफिक आज की इस वीडियो में कितना मिलता है। सबसे धांसू ये हॉर्न है जो एक्सप्रेस करने से बज रहा है, और भाई सामने आप देख सकते हैं शायद कोई बेचारा कोई स्टेशन होगा जहाँ पे लोग वेट कर रहे होंगे कोई ट्रेन रोके, लेकिन भाई उनकी किस्मत अच्छी नहीं है। ये सुपरफास्ट एक्सप्रेस है, टिप्पू सुपरफास्ट एक्सप्रेस, और यहाँ पे इसका स्टॉप नहीं दिया गया है अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी। यहाँ से देख सकते हो, ओफो भाई मतलब आज मुझे ऐसा लग रहा है मतलब भाई राजधानी को ये फेल करने वाली है आज, सच में यार मेरे को लग तो ऐसे ही रहा है कि आज राजधानी एक्सप्रेस को फेल ना कर दे हमारी ये एक्सप्रेस ट्रेन। कर भी सकती क्योंकि भाई 116 किलोमीटर मतलब अब चल रही है, आप ये गौर कर सकते हो, मतलब 116 यार कितनी स्पीड होती है, और अभी एकदम से मतलब जो मेंटेन की है स्पीड यार 116 यार, कसम से यार मज़ा आ गया। मेरे को ऐसा लग रहा है ना यार लोकोमोटिव काफ़ी पावरफुल है, और दोनों लोकोमोटिव जो है अपना पूरा पूरा जोर दिखा रहे हैं। एक हॉर्न जो है इसमें ऑटोमेटिक बज रहा है, आपको शायद सुनाई दे रहा होगा, एक हॉर्न जो है इसमें ऑटोमेटिक भी बज रहा है भाई। भाई आपने गौर किया अभी जब से बेंगलोर से हम निकले हैं अब तक, तो अभी हमको सिर्फ एक ही ट्रैफिक मिला जो कि ऑयल टैंकर के साथ, और उसके साथ भी यही लोकोमोटिव था जो हमारा पहला वाला आपको ग्रीन कलर का लोकोमोटिव दिख रहा होगा, उसके साथ भी यही लोकोमोटिव था यार, वो भी काफ़ी ओफो भाई इतनी जल्दी मतलब इतनी स्पीड पकड़ पाएगी ये हमारी एक्सप्रेस भाई, क्योंकि भाई ये रियल में चलती है भाई, बेंगलोर से मैसूर जंक्शन तक जाती है। और अभी देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्टॉप कितनी दूर है भाई, हमारा केंगरी स्टेशन जो है अभी 8 किलोमीटर दूर है यहाँ से, तो भाई हम कवर कर लेंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी ट्रेन काफ़ी फास्ट है और लोकोमोटिव भी कभी काफ़ी पावरफुल लोकोमोटिव आज लगे हुए हैं हमारी इस टिप्पू एक्सप्रेस के साथ, तो जाहिर सी बात है भाई हाई स्पीड आप देख सकते हैं अभी से मतलब 140 तक पहुंच चुकी भाई, 140 जो है काफ़ी अच्छी स्पीड मानी जाती है ट्रेन की, और काफ़ी फास्ट भाई। और छगिंग साउंड मतलब कितना प्यारा है यार इस लोकोमोटिव का यार, मतलब मज़ा आ जा रहा है यार, मतलब इसको जो इस टाइम में प्ले करो ना भाई मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर हॉर्न साउंड डिफरेंस और अदर लोकोमोटिव के मुकाबले में, और छगिंग साउंड, और भाई स्पीड भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा लग रही है। और भी मेरे पास WDG3 लोकोमोटिव है पड़े हुए हैं, लेकिन भाई उसके अंदर ऐसा साउंड वगैरह मेरे को नहीं लग रहा है भाई, ये कोई स्टेशन है, और ये मेरे को थोड़ा सा बड़ा सा लग रहा है स्टेशन, लेकिन यहाँ पे हमारा स्टॉप नहीं है, ये कौन सा स्टेशन है भाई पता नहीं यार मेरे को, तो हम इसको स्किप कर रही है हमारी ये टिप्पू एक्सप्रेस, आप देख सकते हो। ओफो भाई क्या स्पीड मेंटेन कर रही है भाई, काफ़ी शानदार, मज़ा आ गया यार। आप देख सकते हैं हमारी जो मंजिल है, जो हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप है वो हमारे करीब बढ़ रहा है, ट्रैक मॉनिटर पे आप देख सकते हो कि मतलब जो सिग्नल है वो हमको आगे जाके रेड मिलने वाला है, और 100% मिलने वाला है भाई। और भाई यहाँ पे स्टेशन बहुत बहुत जल्दी आ रहे हैं यार, बहुत बहुत जल्दी स्टेशन आ रहे हैं यार, थोड़ा लोकोमोटिव को यार रेस्ट दे देते हैं यार, काफ़ी मतलब देर से यार छगिंग कर रहा है यार, थक गया होगा थोड़ा सा यार, थोड़ा सा रेस्ट दे देते हैं भाई। और भाई सिग्नल भी मतलब जो है रेड बढ़ रहा है हमारी तरफ, हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप है वो 4 किलोमीटर रह गया है, तो भाई 4 किलोमीटर ट्रेन के लिए तो कुछ भी नहीं है, बहुत कम माना गया ट्रेन के हिसाब से, चार किलोमीटर ज़रा सी देर में मतलब जो है ट्रेन कवर कर लेती है, तो हमने ब्रेक तो अप्लाई कर दिए, अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ, अपने स्टॉप की तरफ। भाई ये वाला जो हॉर्न जो मैं बजा रहा हूँ ना भाई एक्स वाला, तो भाई अगर मैं इस टाइम गार्ड साहब के कोच के पास भी चला जाऊँगा ना भाई, तो ये आपको वहाँ भी इसकी आवाज़ सुनाई देगी, सच में बता रहा हूँ मैं यार।
क्योंकि दूर दूर तक इसकी आवाज़ सुनाई दे रही है। तो देख सकते हैं हमारी टिप्पू एक्सप्रेस की जो है स्पीड जो है स्लो हो चुकी है। और भाई ये नज़ारा कितना खूबसूरत लग रहा है। तो अभी हम 70 तक चल रहे हैं भाई, थोड़ी सी और कम कर लेते हैं क्योंकि भाई हमें उसी तरीके से अराइवल करना है स्टेशन पे जिस तरीके से रियल में कोई ट्रेन जो है मतलब अराइव करती है किसी स्टेशन पे, तो मज़ा तभी आता है ना भाई। और अब हम एकदम से 100 की स्पीड में प्लेटफॉर्म पे मतलब निकल जाएं और फिर अचानक से ब्रेक मार लें तो यार थोड़ा सा ना मज़ा नहीं आता भाई। आप देख सकते हैं मतलब ट्रेन क्या शानदार क्या शानदार व्यू आ रहा है यार, कितना शानदार व्यू आ रहा है। यहाँ से देख सकते हो पूरी की पूरी ट्रेन मतलब कर्व में है आगे जाकर, और कितनी शानदार लग रही है यार, कसम से यार मज़ा आ गया। मैं गार्ड साहब के पास चलना पसंद करेंगे क्या? चलो गार्ड साहब के पास नहीं जाएंगे। तो अभी देख सकते हैं हमारा लोकोमोटिव दोनों, ये हॉर्न सुनो भाई कितना शानदार है, और दोनों लोकोमोटिव अब देख सकते हैं थोड़ी सी स्पीड हमने थोड़ी बढ़ा दी। अब आपको मतलब थोड़ा स्मोक कर रहा है भाई, आगे वाला लोकोमोटिव तो ज़्यादा स्मोक नहीं कर रहा है लेकिन ये वाला लोकोमोटिव जो है वो काफ़ी स्मोक कर रहा है। ये हमारा WDG3 है लोकोमोटिव दोस्तों। मुझे उम्मीद होगी कि अब तक की जर्नी जो हमने स्टार्ट की थी बेंगलोर से लेके, आपको ये जर्नी पसंद आई होगी मुझे उम्मीद है, और भाई पसंद आनी भी चाहिए। ओफो भाई ये नज़ारा कितना खूबसूरत लग रहा है यार, मेरे को आप बता सकते हो कमेंट्स में, मतलब एक चढ़ान है ऊपर को यार, कितना शानदार मतलब ये व्यू लग रहा है यार, मतलब कसम से यार इंडियन रेलवे फ़ैन को तो मतलब उनका दिल बाग बाग हो जाता है इस तरीके के मतलब जो नज़ारे देखते हैं। तो वो नज़ारा मतलब कितना शानदार नज़ारा लग रहा था यार, कसम से यार मेरा तो ऐसा लग रहा था बार बार इसी नज़ारे को देखूं यार। लेकिन अब नज़ारे के चक्कर में मत रहो क्योंकि भाई स्टॉप आने वाला है, कितनी दूर रह गया ये देख लेते हैं भाई। ओफ 1 किलोमीटर भी नहीं है ठीक से, थोड़ा सा 1 किलोमीटर से भी कम बचा है भाई, तो थोड़ी स्पीड बढ़ा के चलते हैं। अरे नहीं भाई हल्के चलो यार, स्टॉप आने वाला है इसलिए हल्के हल्के चलो, ज़्यादा हाई स्पीड एक्शन नहीं करेंगे क्योंकि अभी स्टॉप आने वाला है। हमारा जो स्टॉप मतलब है कितने बजे का भाई, केंगरी स्टेशन पे हमको पहुंचना था 3:35 पे भाई, और इस वक्त जो टाइम हो रहा है वो 35 भाई, पहले ही शायद हमने कवर कर लिया, मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने पहले ही कवर कर लिया जो अपना डिस्टेंस है वो पहले ही मतलब कवर कर लिया। जो टाइमिंग है हम मतलब ये कहने लगे विलम्ब से पहले हमारी गाड़ी जो है ऐसा लगता है केंगरी स्टेशन पर अराइव करेगी, और अभी हम स्लोली स्लोली चल रहे हैं, कोई पता नहीं कब हमारी ये दूसरी ट्रेन के साथ क्रॉसिंग हमको देखने को मिल जाए। तो इसलिए हम अब देख सकते हैं आपको केंगरी स्टेशन नज़र आ रहा होगा यहाँ से, तो हॉर्न मार देते हैं एक लंबा सा ताकि वहाँ के पैसेंजर वगैरह को पता चले जो बहुत देर से वेट कर रहे हैं अपनी ट्रेन का, उनको पता चले कि भाई हाँ यार कोई ट्रेन आ रही है। और ये लेवल क्रॉसिंग भी है यार, यहाँ देख सकते हैं फाटक वगैरह लगा हुआ है तो ये लेवल क्रॉसिंग भी है भाई। चलो भाई अपनी ट्रेन के पास चलो, ये दोनों हॉर्न बजाते हैं और साथ में ये भी बजा देते हैं। और ये प्लेटफॉर्म ना मेरे को कर्व में नज़र आ रहा है यार, थ्रॉटल लो ही रखते हैं भाई। अब ये देखते हैं हमें कौन से प्लेटफॉर्म में डाला जा रहा है। अब भाई हमें मुझे ऐसा लगता था कि मैं इस वाले प्लेटफॉर्म में जाऊँगा लेकिन भाई ट्रैक मेरा चेंज नहीं हुआ, वहीं का वहीं रह गया। ओफो भाई मतलब इंतज़ार जो कर रहे होंगे ना लोग यार, कसम से उनको मज़ा आ गया होगा यार। देख सकते हैं हमारी मतलब टिप्पू एक्सप्रेस जो है इसका अराइवल चल रहा है यहाँ पे, तो भाई थोड़ा रोक के चलते हैं, थोड़ा सा रोक के चलते हैं, अभी 50 चल रही है यार, हमको कवर भी करना है ना, रोक भी लेना है ना, टाइम से रोकना है, तो इसलिए थोड़ा हिसाब से चलो यार। अब हम पूरी प्लेटफॉर्म में जब हमारी ट्रेन घुस जाएगी फिर हम उसके बाद ब्रेक लगा लेंगे। अभी एसी कोच हैं भाई, आप देख सकते हो थोड़े से कोच आना बाकी रह गए हैं अंडर प्लेटफॉर्म, फिर हम ब्रेक लगाएंगे। तो भाई ब्रेक लगा ही लेते हैं क्योंकि कोच जो है हमारा अंडर प्लेटफॉर्म आने वाला है, तो भाई ब्रेक लगा लेते हैं। देख सकते हैं हमने ब्रेक लगा दिया, और अब देख सकते हैं हमारा जो गार्ड साहब का कोच है ना वो सही तरीके से आ जाएगा, तो देख सकते हैं मतलब आ ही चुका है भाई। ये देखो भाई हमारी ट्रेन जो है टिप्पू सुपरफास्ट एक्सप्रेस मतलब रुक चुकी है केंगरी स्टेशन पे, और भाई रुकते ही जो है हमको सिग्नल भी मिल गया भाई, तो अब चलते हैं आगे। आप देख सकते हो हमको सिग्नल भी इतनी जल्दी मिल गया भाई, सुपरफास्ट एक्सप्रेस की यही कहानी रहती है, ये एकदम से उनको जो है स्टॉप मिल जाता है, स्टॉप नहीं सॉरी यार मैं क्या बोला था, एकदम से मतलब जो है सिग्नल मिल जाता है। ये बहुत कम रुकती है सुपरफास्ट गाड़ी जो रियल में रहती हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा कम ही रुकती हैं किसी भी स्टेशन पे, बहुत
ज़्यादा बड़ा स्टेशन होगा तो वहाँ 15 या 20 मिनट इससे ज़्यादा नहीं रुकती हैं। तो भाई हॉर्न मार देते हैं, ब्रेक हमारे रिलीज़ हैं, रिवर्सल जो है हमारा यार देख सकते हैं हमारी पूरी ट्रेन रेडी है। तो अब चलते हैं भाई, सेकंड हॉर्न हमने बजा दिया, सेकंड हॉर्न तो बजा दिया ना हमने। देख सकते हैं मतलब कितना शानदार नज़ारा है हमारा WDG 4D लोकोमोटिव हमजा जी का, मतलब क्या डिटेलिंग है यार। अब देख सकते हैं नेक्स्ट स्टॉप हमारा कहाँ रहने वाला है। अब भाई हम अभी 91 किलोमीटर भाई मेंडी स्टेशन, भाई हमारी जो करंट लोकेशन है वो केंगरी स्टेशन है और अभी जो नेक्स्ट स्टॉप रहने वाला है वो मेंडे, भाई क्या है ये मंडे होता भाई, उसके बाद जो है मैसूर जंक्शन रहने वाला है। देख सकते हैं हम कि आज की ये जर्नी हम कहाँ तक कवर करते हैं। उम्मीद है कि आप वीडियो को देख रहे होंगे भाई, और चैनल पे यार पहली बार अगर आप आए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके भाई। और भाई ट्रैक साउंड आपको आ रहा है मेरी एक्सप्रेस का, आप बता सकते हैं मेरे को यार कमेंट्स में, बता सकते हैं ट्रैक साउंड आपको कैसा लगा, कितना अच्छा लगा या ख़राब लगा। अगर आप चाहते हैं मैं नए ट्रैक साउंड के साथ न्यू LHB ट्रैक साउंड हो उसके साथ मतलब जर्नी दिखाऊं तो मैं भाई उसकी भी फुल कोशिश करूँगा, ऐसा नहीं है। मुझे अपने व्यूवर्स को खुश रखना है, जहाँ तक हो सकेगा उनका एंटरटेनमेंट करना है। देख सकते हैं हमारी ट्रेन अब पूरी होने वाली है, निकलने वाली है, अलविदा कहने वाली है केंगरी स्टेशन को। AC कोच है और AC कोच के पास जो गार्ड साहब का कोच है वो तो काफ़ी करीब है यार, ऐसा नहीं है। ये देखो भाई अब अभी काफ़ी स्लो चल रही है, 30 की स्पीड है, थोड़ी स्पीड बढ़ा लेते हैं यार क्योंकि अब स्टेशन से तो हम निकल गए। आप देख सकते हैं स्टेशन से जो है हम निकलने वाले, निकल चुके भाई, बाय बाय अलविदा टिप्पू सुपरफास्ट एक्सप्रेस। आप देख सकते हैं यहाँ से व्यू कितना प्यारा है, इस व्यू के लिए यार 1 लाइक तो कर देना यार, और कमेंट्स करके बता देना कि वीडियो आपको कैसी लगी। लेकिन दोस्तों अभी डरो मत, मैं अभी जान ही रहा हूँ, अभी और मैं आपको थोड़ा सा परेशान करने वाला हूँ। यहाँ से आप नज़ारा देख सकते हो कितना शानदार लग रहा है हमारी पूरी की पूरी एक्सप्रेस का, मतलब कितना गज़ब का लग रहा है नज़ारा। आप देख सकते हैं मतलब इतना ख़तरनाक मोड़ है भाई सामने जा रही है। तो चलो अब अपने लोकोमोटिव के पास चलते हैं, हम लोकोमोटिव के पास आ गए। देख सकते हैं मतलब कर्व लेती हुई हमारी टिप्पू सुपरफास्ट एक्सप्रेस, यहाँ से ये नज़ारा आप देख सकते हो कितना शानदार है। ये देखो भाई मतलब आप ये नज़ारा यार, इसके लिए यार 1 लाइक अगर नहीं करोगे तो यार मतलब आपका इंडियन रेलवे फ़ैन होना बिल्कुल बेकार है। मतलब ये ऐसे नज़ारे के लिए तो भाई मरते हैं इंडियन रेलवे फ़ैन। ये मतलब कितना प्यारा नज़ारा है, ये मतलब आप समझ सकते हो कितना प्यारा नज़ारा है, बहुत ज़्यादा ही मतलब खूबसूरत नज़ारा है भाई। लेकिन ये नज़ारा अब हमसे जुदा हो रहा है, ये नज़ारा अब हमसे जुदा हो रहा है। चलो जुदा मत होने दो, हम इससे भी अच्छे अच्छे आपको नज़ारे दिखाते रहेंगे अपनी जर्नी में। आपको जो है निराश होने की ज़रूरत नहीं है, थ्रॉटल हमने फुल पे लगा दिया है और हमारा नेक्स्ट स्टॉप अभी भाई 88 किलोमीटर है, देखते हैं हम कवर कर पाते हैं या नहीं। लेकिन थोड़ा सा मेरे को उम्मीद है, मैं आपको हाई स्पीड काफ़ी अब दिखाने वाला हूँ। अभी तक जो हम बेंगलोर स्टेशन से चले थे तो हमारा जो डिस्टेंस था, जो स्टॉप था वो थोड़ा कम में था, कम समझ गए भाई, मतलब ज़्यादा दूर नहीं था। लेकिन अब हमारा भाई ये कोई ट्रेन आ रही है, आप देख सकते हैं WDG 4 के साथ वो यार ये अच्छे अच्छे सीन के वक्त हमारा कैमरा ख़राब क्यों हो जाता है। कोई एक्सप्रेस ट्रेन है आप देख सकते हो ये, मतलब कोई WDG 4 के साथ भाई मज़ा आ गया, काफ़ी अच्छी हमको क्रॉसिंग आज देखने को मिल रही है इस एक्टिविटी में। तो आप देख सकते हैं मतलब अभी 116 पे चल रही है हमारी ट्रेन, 116 यार काफ़ी स्पीड हुई इतनी जल्दी, मतलब इसके लोकोमोटिव का जो एक्सेलेटर है ना वो यार काफ़ी हाई है, काफ़ी जल्दी मतलब अच्छी खासी स्पीड जो है मेंटेन कर लेती है, बहुत जल्दी जो है अच्छी स्पीड मेंटेन करती है। कुछ लोकोमोटिव ऐसे होते हैं अगर हमने एक बार उसका ब्रेक लगा दिया ना भाई तो मतलब काफ़ी देर तक वो अपनी पुरानी औकात पे आते हैं, काफ़ी टाइम लग जाता है उनको मतलब अपनी वापस वाली स्पीड में। लेकिन भाई इसके अभी हम देख सकते हैं अभी हम निकले केंगरी स्टेशन से और इतनी जल्दी 126 जो उसने कवर कर लिया, तो देख सकते हैं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोकोमोटिव हमारे दोनों कितने पावरफुल हैं। दोस्तों जर्नी में मज़ा आ रहा होगा आपको, क्योंकि भाई मज़ा कैसे ना आए, क्योंकि भाई अच्छी से अच्छी आपको क्रॉसिंग देखने को मिल रही है। और अब ये देखते हैं हम कि अब हम कहाँ तक जाते हैं और हमारा लोकोमोटिव जो है हमारी इस टिप्पू एक्सप्रेस को मतलब कितना आगे ले जाता है, ये हम देखने की आज कोशिश करेंगे भाई। कौन सी अभी 134 तक तो ले जा चुका है, 134 भाई काफ़ी स्पीड हो गई यार, तो अब यही तो हमें देखना है भाई। 135 हमें लिमिट तो 100 की मिली हुई है यार, ये कोई फिर से कोई लेवल क्रॉसिंग है। ओफो भाई
अब लग चुका है अपनी ट्रेन, लगता है भाई अब अपनी ट्रेन जो अपनी असली औकात पे आ रही है। ओहो भाई फाटक लगा हुआ है भाई यहाँ पे, तो गाड़ी वगैरह है या नहीं? नहीं है यार। अब देखते हैं हमें आगे चल के मतलब कितना कौन सी ट्रेन हमको क्रॉस करती है। थोड़ा सा और वीडियो को और हल्का सा और कवर कर रहे हैं भाई, बाकी तो बस आप लोग बस वीडियो को प्यार देते रहना भाई, और चैनल पे यार नए हो तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार। इस टाइम 141, मैं ये देखना चाहता हूँ आज लोकोमोटिव की स्पीड हमें कहाँ तक दिख, मतलब इसकी लोकोमोटिव की औकात तो पता चले भाई इस ट्रेन की, मतलब जो कितनी है स्पीड, ये तो मैं आज देखना चाहता हूँ भाई। ये इंटीरियर है भाई, उफो हम एसी वाले कोच में क्यों आ गए यार। आप देख सकते हो मतलब इस टाइम डोर व्यू पे हैं अपनी टिप्पू एक्सप्रेस की, लेकिन यहाँ से ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है। ये हॉर्न जो है हमारे WDG 3A का है, और इसके भी मतलब थर्ड हॉर्न है, लेकिन वो मैं आपको सुनाऊंगा किसी दिन। अभी तो मतलब इसके साथ ये वाला लोकोमोटिव जो है हिलगा हुआ है, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो का पार्ट मैं यहीं तक कवर कर सकता हूँ। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट्स कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हर आने वाला ट्रेन गेम प्ले जर्नी वीडियो आप तक ऑन टाइम पहुँचता रहे। ठीक है दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी।